ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। जिलाधिकारी सुखलाल भारती, एसएसपी सुनील कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से जिला चिकित्सालय में कोरोना के रोगियों के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड तथा चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोना वायरस को दृष्टिगत रखते हुए आइसोलेशन वार्ड में स्टाफ की नियमित ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जन मानस को बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से कंट्रोल रूम की व्यवस्था की जाए। डीएम ने इस दौरान सीएमएस निर्देश दिए कि अस्पताल की नियमित साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। लापरवाही बरतने वाले चिकित्सकों पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। डीएम ने निरीक्षण के दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों धीरेन्द्र एवं कमल सिंह का तत्काल मेडिकल कराने एवं मेडिकल में दोषी पाए जाने पर सेवा समाप्त के निर्देश दिए। डीएम ने जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, साफ सफाई पर विशेष रूप से फोकस किया जाए, साथ ही एक दूसरे को भी वायरस के संक्रमण से बचाव की जानकारी दी जाए। एसएसपी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि जनपद में धारा 144 लागू है। एक स्थान पर 5 से ज्यादा लोग एकत्रित ना हो। यदि आप किसी के पास खड़े हैं तो कम से कम 1.5 मीटर की दूरी अवश्य बनाकर रखें। यदि कोई बाहरी प्रांत से व्यक्ति आपके पास आता है तो उसकी सघनता से जांच की जाए। जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर संबंधी चिकित्सक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर अजय अग्रवाल, सीएमएस डॉक्टर राजेश अग्रवाल, क्षेत्राधिकारी इरफान नासिर खान, क्षेत्राधिकारी राजकुमार मौजूद रहे। नहीं, लोग तो खैर डरे हुए हैं, लेकिन ये कि हमारे जनपद में इस तरह की कोई अभी कोई स्थिति नहीं आई है, कोई मतलब सस्पेक्टेड केस कोई आया नहीं है तो। लेकिन वैसे लोगों को बुखार उखार लग जा रहा है या खांसी हो जा रही है तो समझ रहे हैं कि कोरोना हो गया, उससे डरे हुए हैं, इसलिए अपनी जाँचें कराना चाहते हैं। लेकिन यह है कि डॉक्टर जो हमारे हैं वो खुद देख करके बता दे रहे हैं कि इनको सिम्टम है कि नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लोग तो डरे हुए ही, अगर थोड़ा बुखार भी लग जा रहा है तभी हॉस्पिटल में आ जा रहे हैं, कह रहे हैं हमारी कोरोना की जांच करें। तो इस प्रकार से तो हम सबकी जांच नहीं करा सकते, लेकिन डॉक्टर साहब देख करके उसको बता सकते हैं कि कुछ सिम्टम है कि नहीं है। अगर सिम्टम कुछ नज़र आते हैं उसी परिस्थिति में उसकी जाँच कराने की जरूरत है। सर, लगातार सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाई जा रही है, जैसा कि कल राजा का रामपुर क्षेत्र में बताया गया था, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों चिन्हित करके कार्रवाई की? ऐसे लोग जो अफवाह फैला रहे हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध FIR करेंगे, इसलिए कि इस तरह की अफवाहें फैलाना बहुत ही खतरनाक है। लोग इससे डर जाते हैं और तरह तरह के लोग मन में शंकाएँ आ जाती हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके और उनके विरुद्ध FIR की कार्रवाई करेंगे। और कप्तान साहब इसमें लगे हुए लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं उसको कि ऐसी भ्रामक खबरें ना पहुँचें और भ्रामक गतिविधियों में लगने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोग चाहते हैं कि अपने जनपद पूरी तरह से नियंत्रण में रहे, हमारे जनपद में कोई बाहर से कोई विदेशी इधर नहीं आया है, तो इस पर हम लोग सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। और अभी पूरी जनता से हमने अपील किया कि कोई भी उनके गाँव में अगर कोई इस तरह का बाहर से कोई आता है, आदमी आता है, विदेश से आता है, तो उसकी तत्काल खबर हम लोगों को दें, जिला प्रशासन को दें, ताकि हम लोगों के उनके उनकी जांच करा सकें, और कोई सस्पेक्टेड हो तो उसके उसका इलाज भी करा सकें, उसकी जांच करा सकें। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट।